मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मीनिंग रिलीजन डज नॉट टीच अस टू बेयर इल विल अमंग आवरसेल्व्स। वी आर ऑल इंडियंस एंड आवर होमलैंड इज हिंदुस्तान। These words from a patriotic song turned into reality when leaders of various faiths assembled at the India Imam Organization's office in New Delhi on the occasion of 74th Independence Day. They together chanted slogans awakening national spirit and then hoisted the national flag, spreading the message of unity and universal brotherhood. बहुत ही खुशी का उत्सव है। सब अपने अपने तरीके से देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मगर आज पहली बार इमाम हाउस में हमारे डॉक्टर इमाम साहब उमर अहमद इलियासी साहब ने जो कार्यक्रम रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। इस प्रोग्राम के माध्यम से जैन हो बौद्ध हो भारत में रहने वाले सब धर्म के लोग एक हैं, यहाँ से ये एकता का संदेश हम देना चाहते हैं। The religious leaders also praised the Prime Minister Narendra Modi for his message of unity that he gave in his Independence Day speech and even showed their support to his efforts of taking the country forward. Pointing towards India's diversity, they said that though they may have different faiths and cultures, they all are one. हमारा भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, हमारा भारत जिस तरह से विकास की ऊंचाइयों पर जा रहा है, मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसकी मुबारकबाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व गुरु बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। इसी भारत की यही विशेषता है। हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का, उनके साथ मिलकर पूरे देश के साथ मिलकर आज हम यहाँ संकल्प लेंगे कि हम सब एक हैं और भारत और भारतीयता को मजबूत करें। हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ अलग हो सकती हैं, इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है इंसान और इंसानियत का है, दूसरा धर्म भारत में रहते हैं भारतीय का है। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। Such events where people of different communities come together in the show of communal harmony play an important role in strengthening the secular fabric of the country.